आई एम मूविंग वेरी स्लोली, आई एम नॉट कॉम्पिटिंग। ऐसे करते करते ही आपको आगे आगे जाना है, कोई भी चीज से धक्का ना लगे, क्योंकि लॉन्ग रेस है, मेरा कॉम्पिटिटर्स बहुत पीछे बढ़ा है और वो मुझको कभी छोड़ भी नहीं सकता अगर मैं ऐसे स्लो स्लो जाऊंगा। इफ यू वांट टू विन दिस $500 रेस इन द कार शोरूम ऑफ द जीटी वाई सिटी, द प्लेस वेयर द बाइकर गैंग्स रिसेम्बल्स और गैदर विथ ईच अनदर कार शोरूम रेस मिशन, अगर आपको ये $500 की जो रेस है इसको जीतना है तो किसी भी चीज के साथ धक्का नहीं लगना चाहिए, धकेलना नहीं चाहिए। यू कैन नॉट कोलाइड विथ एनीथिंग, avoid colliding and avoid any accident, then you can win this $500 race and you can win any battle in this car showroom mission race like this. Avoid this type of accidents, aapko is type ka accident ko avoid karna hai. If you avoid this type of accident then you can win this car showroom race and you will win $2000 for this $500 spending. Agar aap $500 spend karte hai then you can win $2000. This is the mission of this car showroom race mission and you have to avoid this type of accident. आपको ऐसे एक्सीडेंट को अवॉइड करते जाना है। टॉम यूनिवर्सिटी एक बिजनेसमैन है, टॉम यूनिवर्सिटी इज ए बिजनेसमैन इन द जीटी यूनिवर्सिटी, दिस ग्रैंड थेफ्ट ऑटो एंड ही हैज टू विन दिस रेस। इन ऑर्डर टू विन दिस रेस यू हैव टू सिंपली अवॉइड एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट, यू हैव टू सिंपली कीप गोइंग, आपको कीप गोइंग करना है, आपको बस जाते रहना है, किसी भी चीज के साथ धकेलना नहीं चाहिए, धक्का नहीं लगना चाहिए। यू हैव टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट, इफ यू कैन अवॉइड एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट देन यू कैन विन दिस रेस, दिस बाइक रेस और कार रेस। यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ बाइक, अमेरिका के झंडे वाला, आप अमेरिका के झंडे वाला जो बाइक है इसको यूज कर सकते हो, वो आपको बाइकर गैंग के जो अड्डा है वहां मिल जाएगा, वो बाइक गैरेज में रखो। द प्लेस वेयर द बाइकर गैंग्स रिसेम्बल्स और गैदर विथ ईच अनदर, रिमेंबर वन थिंग माई ब्रदर, यू कैन यूज दिस हल्के बाइक और दिस टाइप ऑफ बाइक, यू कैन यूज कार इंस्टेड ऑफ बाइक, दिस टाइप ऑफ कार, एज दिस इज ए $1000 race, so you are gonna win more and more money after winning this race, so you can use this type of car or this type or the bike that you like. And this race starts from the Q1 gang, where the Q1 gang neighborhood is located. This race will start from there, jo Q1 gang ka jo neighborhood hai wahan se ye wala race start hoga, aur bike ko jaane denge, car ko jaane denge, aur maine is car ko, yaad rakhna dosto, aap car bhi use kar sakte ho aur bike bhi use kar sakte ho, both. You can utilize car or utilize bike both. Simply move forward without colliding with anything, any vehicle or any people. And better avoid the police. Police को आपको avoid करना है. और दूसरा चीज जो accident है, इसके बारे में आपको बहुत चकरना रहना चाहिए. Accident के बारे में आपको अपना आँखें कान दोनों ही खुला रखना चाहिए. कोई भी accident होना नहीं चाहिए. इसीलिए जो accident वगैरह है ये सबको आपको avoid करते जाना है, क्योंकि एक्सीडेंट इस मिशन को पूरी तरह से खत्म कर देगा। बिना एक्सीडेंट के आप जा सकते हैं तो आप किसी भी रेस को जीत सकते हैं, यही फंडा है इस मिशन का। आप घर से देखिए, मैं बहुत स्लोली जा रहा हूँ और एक्सीडेंट को अवॉइड कर रहा हूँ। हाइटी गैंग वाले मुझको गोली मारा था, लेकिन उसमें मुझे ध्यान नहीं देना है, मैं चाहे तो दूसरे कार को गोली मार सकता हूँ। इफ आई वॉन्ट आई कैन शूट अनदर कार्स माई कॉम्पिटिटर्स, बट आई विल अवॉइड एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन एंड आई विल कीप गोइंग, सिंपली लाइक दैट। आपको ऐसे ही जाना है पूरे रास्ते, किसी भी तरफ, किसी भी चीज के साथ धकेलना नहीं है, धक्का लगना नहीं चाहिए, तो आप इस मिशन को पूरे से पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। यू कैन विन दिस मिशन विदाउट कोलाइडिंग इफ यू अवॉइड एक्सीडेंट एंड यू कैन इफ यू अवॉइड कोलाइडिंग विथ एनीथिंग देन यू कैन विन दिस रेस एंड यू विल विन ए बिग अमाउंट ऑफ मनी। लाइक इफ यू स्पेंड $1000 फॉर दिस रेस, यू विल अर्न अबाउट $4000 इन द नेक्स्ट $5000 रेस, यू विल विन $20,000 and this is the end. I own $4,000 now. This is the time for $1,000 race and I can use this type of bike. Better use bike, you are not imperatively use any car, you can use bike and better use this bike instead of the American flag. You can use the both American flag bike or this type of bike, but remember, use this type of bike. If you can keep going simply by avoiding the accidents, then you can win this race, any mission in this car race, and you can earn a lot of money, huge money, more and more times, like 4 times or 3 times or double money, the money you have spent behind this mission. So you have to win this mission, you have to always stand first, so never ever trap yourself into any type of competition. Aapko competition ka avoid karte jana hai taki aap is mission ko pura kar payenge, aur yahi is mission ko jeetne ka ओनली एंड वन तरीका है। आपको ये मिशन जीतने के लिए
एक्सीडेंट वगैरह को अवॉइड करके करके तो आप कुछ भी मिशन, कोई भी मिशन, इस कार शोरूम का जो मिशन वगैरह है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ताकि $500 का, $100 का, $1,000 का, $2,000 का और $5,000 का आप जीत सकते हैं। $10,000 का जीत जाएंगे तो आपको $40,000 मिलेगा इनाम, और $5,000 का जीतेंगे तो आपको वो बहुत सारे बड़े रकम मिलेगा। तो एक रेस में अगर $10,000 खर्चा करके आप $40,000 मिल जाते हैं तो आप तो यहाँ मिलियनरी बन सकते हैं। अभी तो सिर्फ $79,240 है टोमोका सिटी के पास, और वो बहुत जल्द मिलियनरी बन सकते हैं अगर ऐसा रेस और भी वो जीत जाए। कितना बड़ा बिजनेसमैन है, व्हाट ए बिजनेसमैन टोमोका सिटी इज, व्हाट ए बाइकर टोमोका सिटी इज। हिज बाइक स्टंट एंड कार स्टंट आर मेकिंग हिम द रिचेस्ट पर्सन इन दिस भाई सिटी। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल टर्न ओवर बाय मैन हु हैड नथिंग एट द बिगिनिंग, ही स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड ही इज गोना बी द मिलियनरी इन दिस ब्यूटिफुल भाई सिटी। एंड अगेन अनदर रेस ही ओन एंड ओन $4,000 एंड द नेक्स्ट रेस $2,000। द नेक्स्ट रेस दैट आई एम गोना सिलेक्ट $2,000, $2,000 की रेस है, इसको जीतेंगे तो भारी रकम मिलेगा। और यह आप अमेरिका की झंडा वाला बाइक को यूज कर सकते हैं, द बाइक दैट इज डिजाइंड विद द अमेरिकन फ्लैग, यू कैन यूज दैट इन दिस पर्टिकुलर रेस मिशन एंड यू हैव टू कीप मूविंग एंड अवॉइडिंग दिस एक्सीडेंट। रिमेंबर दैट दिस इज द प्लेस वेयर द डिफिकल्ट हेलीकॉप्टर मिशन वाज प्लेड बाय यू, यू प्लेड दैट एट द वेरी बिगिनिंग विद द रियल एस्टेट मैन, द मैन विद द रियल एस्टेट बिजनेसमैन। ये जो रियल एस्टेट बिजनेसमैन का जो हेलीकॉप्टर मिशन है वही प्लेस से स्टार्ट होता है और वही आपको वापस आना है। यू हैव टू गेट बैक, यू हैव टू रिटर्न, यू हैव टू रिटर्न टू द प्लेस व्हेयर यू स्टार्टेड द रियल एस्टेट बिजनेसमैन मिशन, द हेलीकॉप्टर डिफिकल्ट एंड टफेस्ट हार्डेस्ट जी डी सिटी मिशन, डिफिकल्ट हेलीकॉप्टर मिशन। यू हैव टू गेट बैक टू द पॉइंट, सो कीप मूविंग, मूव फॉरवर्ड, दिस इज द प्लेस एंड दिस इज द वेरी बिजी प्लेसेस, वन ऑफ द वेरी बिजी प्लेसेस इन द वाइस सिटी। सो यू हैव टू कीप मूविंग एंड अवॉइड द एक्सीडेंट, कीप अवॉइडिंग द एक्सीडेंट एंड कीप मूविंग, मूव फॉरवर्ड। एंड दिस इज द फंडामेंटल वे टू विन दिस बिग रेस। यू सी आई एम मूविंग वेरी स्लोली, आई एम नॉट कॉम्पिटिंग। ऐसे करते करते ही आपको आगे आगे जाना है, पीछे नहीं देखना है, किसी भी चीज से धक्का नहीं लगना चाहिए। यू हैव टू कीप मूविंग एंड मूव फॉरवर्ड, आपको ऐसे ही फॉरवर्ड हमेशा जाते रहना है, किसी भी चीज़ के साथ धक्का नहीं लगना चाहिए। यू डोंट हैव टू टच एनीथिंग, डू नॉट हैव टू बी कोलाइडेड, यू डू नॉट हैव टू कोलाइड योर सेल्फ विथ एनीथिंग, देन यू कैन विन दिस रेस विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड यू कैन रीच टू योर डेस्टिनेशन। एंड आई एम क्लोज टू दिस डेस्टिनेशन पॉइंट ऑफ दिस रेस मिशन। सो इफ आई कैन विन, आई एम मूविंग स्लोली, यू सी आई एम, बिकॉज आई नो माई कॉम्पिटिटर्स आर मैड, दे विल कोलाइड one with another and this is the last point and I own $8,000, so fantastic. And this time the race is worth $5,000, so this is more big and I will use this big race, this bike, I will use this bike in this big race. ये वाला रेस में ये वाला बाइक को मैंने यूज करूँगा अभी और इसका काम हो जाएगा। बस मेरा कॉम्पिटिटर्स बहुत पागल लोग है, एक दूसरे से धक्का लगाएगा और पीछे रह जाएगा, इसीलिए मुझको बिना टेंशन के, बिना किसी भी चीज में हाथ लगाए हुए और धक्का लगते हुए ऐसे स्लो स्लो जाना है, कोई भी ऐसे धक्का नहीं लगना चाहिए, स्लो स्लो जाना है। ये देखा, एक अटक गया है उधर, तो इधर किसी भी चीज से धक्का नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल स्लो, एकदम स्लो स्लो जाना है, तभी आप ये मिशन को पूरा कर पाएंगे। यू हैव टू मूव वेरी स्लो बट विदाउट एनी इंटरप्शन, you have to move forward and you have to keep going without any, and you have to avoid accident and you have to avoid the police department, then you can win any race in this GTA Vice City car showroom missions and you can win this prize money, a huge and big prize money. आपको ऐसे ही धीरे 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 जाना है, किसी भी चीज से धक्का नहीं लगते हुए जाना है, आप ऐसे ही पूरा मिशन कंप्लीट कर पाएंगे और बहुत सारे इनाम कमा पाएंगे, बहुत बड़े रकम कमा पाएंगे आप ऐसे ही, कोई भी चीज से धक्का नहीं लगते लगते जाना चाहिए। यू कैन मूव फॉरवर्ड, कीप मूविंग एंड मूव फॉरवर्ड विदाउट कोलाइडिंग योर सेल्फ विथ एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, विथ एनी व्हीकल और एनी ऑब्जेक्ट। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विदाउट टचिंग एनीथिंग, आपको किसी भी चीज से ऐसे टच नहीं लगना चाहिए, धक्का नहीं लगना चाहिए। इफ यू कोलाइड योर सेल्फ विथ एनी व्हीकल लाइक दिस दैट हैपेंड मोमेंट बिफोर, देन यू विल लूज द गेम। दैट्स व्हाई यू हैव टू avoid any accident and you have to
कीप वॉचिंग ऑन योर मैप. ये जो मैप है, मैप के ऊपर आपको अपना ध्यान को जारी रखना है, गौर से देखना है, ऐसे स्लो स्लो जाना है, कोई भी चीज से धक्का ना लगे, क्योंकि लॉन्ग रेस है, मेरा कॉम्पिटिटर्स बहुत पीछे पड़ा है और वो मुझको कल छो भी नहीं सकता अगर मैं ऐसे स्लो स्लो जाऊंगा. तो यही बात है, यही इस मिशन का मेन जो तरीका है आप जीतने का, यही तरीका है. तो यहाँ से आप जाते रहिए और किसी भी चीज़ से धक्का नहीं लगे, इसको आपको ध्यान देना है, मैप को देखते देखते जाना है और अपना टारगेट्स को पूरा करना है. जो डेस्टिनेशन पॉइंट्स वगैरह है उनको देखते देखते आपको जाना है. अब देखते देखते जाइए और किसी भी चीज़ से आप धक्का ना लगे, इसको आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन रहना है और ऐसे ही आप इतना बड़ा रेस जीत पाएंगे बिना टेंशन का, बिना कोई प्रॉब्लम का. आपको ऐसे ही जाते रहना है, बस जाइए, पीछे मत देखिए, आगे जाते रहिए. यू हैव टू कीप मूविंग, मूव फॉरवर्ड without any interruption. And I own this race without any problem. $20,000 own. This is a big achievement. And again, $10,000 race. This is the biggest race. If you win this race, you will win $50,000. And this is the best bike to choose for this mission. And get to the point. Move forward. जैसे मैंने पहले कहा, कोई भी चीज़ से धक्का नहीं लगना चाहिए, किसी भी चीज़ से टकरना नहीं चाहिए, आपको आगे बढ़ते रहना है ऐसे ही. तो ये लोग आपको छो भी नहीं सकता, दे कैन नॉट टच यू इफ यू मूव फॉरवर्ड विदाउट एनी इंटरप्शन. सिंपली मूव फॉरवर्ड लाइक दैट, कीप गोइंग, ऐसे ही आपको जाना है. वो लोग इतना दिमागदार है नहीं, एक दूसरे को धक्का लगाएगा और ऐसे करते करते ये लोग हार जाएगा. तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए. अगर एक्सीडेंट हो जाता तो आप ये रेस जीत नहीं पाएंगे. यू हैव टू कीप मूविंग, आपको ऐसे ही आगे चलते रहना है, कोई भी चीज़ से ऐसे ही कोई भी चीज़ से धक्का नहीं लगना चाहिए, तभी आप इस मिशन को पूरा कर पाएंगे. ऐसे ही जाते रहिए और आप बहुत आसानी से ये वाला जो मिशन है इसको पूरा कर पाएंगे. ये मैंने थोड़ा मिस कर लिया था, मिस करके आपस जाके इसलिए वो लोग मेरा आगे चल गया, मैं फोर्थ पोजीशन में चला गया. दिस इज डेंजरस दैट आई एम एट फोर नाउ. सो आई हैव टू गेट बैक माई पोजिशन बैक एज आई वॉज फर्स्ट इन द प्रीवियस रेसेस. सो आई हैव टू मूव फॉरवर्ड विथ एंड आई हैव टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ माई स्पीड लेवल. देन हमको थोड़ा स्पीड बढ़वाना है और आगे जाते के वक्त ऐसे ही जाते रहना है. तो मैं इस सब एक्सीडेंट को मुझको अवॉइड करते जाना है, ऐसे ही मैं इस रेस को जीत सकता हूँ. इस मिशन का इस रेस को मैं ऐसे ही जीत सकता हूँ. देखा, मैंने उसको पकड़ लिया, मेरा अगले दोनों जो है इन दोनों को पकड़ लिया. धीरे धीरे मैं इन दोनों को क्रॉस करके जाऊँगा. आई कैन मूव अहेड ऑफ देम. वन I moved ahead of them, one of them. Then I'll be more aggressive than him. And मुझको इसके पहले जाना है. अभी मैं थर्ड हूँ, आई एम थर्ड नाउ. सो आई हैव टू मूव फॉरवर्ड विदाउट एनी इंटरप्शन. सो अवॉइड एनी इंटरप्शन एंड अवॉइड एनी कॉम्पिटिशन, अवॉइड द पुलिस एंड अवॉइड एनी एक्सीडेंट. दिस इज द मेन ट्रिक टू विन इन दिस रेस. एंड अनदर वन इज अहेड ऑफ मी. मेरे सामने और एक है, इसको मुझे टच करना है, नहीं तो इस रेस को मैं हार जाऊंगा, $10,000 का नुकसान हो जाएगा. फिर से मैंने मिस किया. तो आप जाके आप इन लोग को अवॉइड करना है, जो बहुत पगलों के जैसा आगे बढ़ते हैं. देखा, इन लोग एक्सीडेंट भी ज्यादा होता है, कभी गोली मत मारना इन लोग को, लेकिन पगलों की तरह जाता है, इसलिए इन लोग मिस कर देता है. आपने बस इसीलिए मैं सलाह दूंगा, यह बाइक का यूज करना बहुत अच्छा है. आप बाइक को यूज कीजिए तो आप आगे बढ़ सकते हैं. यही इस मिशन का ट्रिक है, मेन ट्रिक. आप $10,000 में $50,000 कमा पाएंगे इनाम. इसका मतलब आप ऐसा ही खेलते जाएंगे तो मिलियनरी बन जाएंगे जीटी वाइस सिटी में. मेरा तो ख्याल है, मैं तो शौक है मिलियनरी बनने का जीटी वाइस सिटी में, इसीलिए मैंने आगे बढ़ते जितना सारा रेस है वो करते रहूंगा ताकि मैं एक दिन मिलियनरी बन सकूं. तो ठीक है, मुझको ऐसे ही फॉरवर्ड होते होते जाना है. यू हैव टू मूव फॉरवर्ड लाइक दिस. तो ऐसे ही अब आगे बढ़ते जाना है, पीछे नहीं देखने का. फिर से मैं थर्ड हो गया हूँ, लेकिन मैं जीत सकता हूँ, मुझको उम्मीद है, आत्मविश्वास है. आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल बी सक्सेसफुल. आई विल move ahead of them. I am confident. I am now second. So where is the? I saw him. I saw the first one. He's also clever. He is not colliding himself with any vehicle. So ऐसे ही आप move करते जाएंगे, पूरा race को आप जीत पाएंगे. आप कभी tension नहीं लेने का है, आपका पीछे वाला आपको cross करके चला जाएगा और आप race में हार जाएंगे, ऐसा ही tension आपको नहीं लेना है. तो पीछे मेरा दो है और आगे एक है, उसको पकड़ना है बस. सीधा ऐसे बिना एक्सीडेंट के जाना है और पुलिस फोर्स मुझको ना पकड़े, बस हो जाएगा. मैं
थोड़ा थोड़ा नजदीक में आ गया हूँ अपना डेस्टिनेशन पॉइंट का, जो फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है उसका नजदीक आ चुका हूँ। इसका मतलब है मुझको अभी आगे बढ़ते रहना है। तो आगे ऐसे बढ़ते ही मैंने सीधा जाऊंगा, पीछे की तरफ नहीं देखना है, पीछे की तरफ नहीं जाना है, सीधा जाऊंगा। कोई भी चीज से धक्का नहीं लगना चाहिए, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, तब आप इस मिशन को जाके पूरा कर पाएंगे। और लेकिन एक प्रॉब्लम है, आगे एक बंदा अभी भी सामने है, उसको बस पकड़ना है, बस उसको क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, डेस्टिनेशन पॉइंट का नजदीक आ चुका हूं हम सब, तो मेरे पीछे दो है, तो आगे जो है उसको अगर नहीं पकड़ पाएंगे तो फर्स्ट हो जाएगा, तो मेरा $10,000 नुकसान हो जाएगा। इसलिए उसको पकड़ने के लिए कोई प्रॉब्लम के बिना धीरे धीरे मुझको आगे बढ़ते रहना है। ये हाइटी गैंग वाले को डिस्टर्ब ना करे, ये गोली मारा था थोड़ा देर पहले, ये रेस के अंदर भी गोली मारता है। Q1 गैंग वाले बहुत अच्छा है, ये लोग गोली नहीं मारते, लेकिन हाइटी गैंग वाले मिशन के बीच में गोली मार देते हैं। तो इसी के दौरान, इसी के चलते हुए इन लोग कोई भी मिशन को आपको हरवा सकते हैं। इसीलिए हाइटी गैंग वालों को आप अवॉइड करें तो अच्छा है, पुलिस जैसा और कोई एक्सीडेंट जैसा। आप कोई मतलब कोई रैंपेज में वगैरह में और किसी शूटिंग में आपको मिशन के अंदर नहीं फंसना है। मेरा कोई टेंशन नहीं, मैं स्लोली जा रहा हूँ, हालांकि एक तो मेरे सामने है, लेकिन मुझको स्लोली जाना है, स्लोली जाते रहूंगा तो मैं उसको पकड़ पाऊंगा। जो मेरा पहले है उसको एक बार पकड़ने दो बस, इसके बाद तो मैंने फर्स्ट हो ही जाऊंगा। अगर ऐसा फर्स्ट हो जाएंगे तो $50,000 मिल जाएगा। मेरा उम्मीद है वो, मैं उसको क्रॉस कर चुका, तो मैंने फर्स्ट हो चुका हूँ, फर्स्ट चला गया, बस हो गया। मैं नजदीक हूँ, बहुत नजदीक हूँ अपना मकसद का बहुत नजदीक आ चुका हूँ। डेस्टिनेशन पॉइंट जहां मेरा फर्स्ट होने का जो पॉइंट है उसका बहुत नजदीक आ चुका हूँ। वही एरिया में मैं घुस चुका हूँ, इसका मतलब है मैं बहुत क्लोज हूँ। मेरा कार शोरूम है, जो सनशाइन ऑटोज का जो कार शोरूम है उसका यही बस, और एक बस हो गया $50,000 $40,000 $10,000 के बदल में। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यू कैन आस्क मी।